तो गाइज वेलकम बैक न्यू वीडियो पाल वर्ल्ड। हम लोग आ चुके हैं और एक न्यू वीडियो लेकर, और यहाँ पर मेरा घर में तुम देख सकते हो, ये देखो ये बैकॉन वाला जो पक्षी है, ये मेरा यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक वाला जनरेटर चार्ज कर रहा है, जिससे कि मेरा पाल स्पेयर यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक तरीका से यहाँ पे असेंबल लाइन बना दिया है पाल स्पेयर का, मतलब हाईपर स्पेयर जितना भी स्पेयर है गाइज सब स्पेयर मेरे को यहाँ पर मिलेगा। और NOBs अपना यहाँ पर काम भी कर रहा है, और साथ में पानी पटाने वाला काम जो है यहाँ पर जर्मन टाइट करेगा। तो हम लोग आज जो है इस वाले वीडियो में गए एक बॉस पोकेमोन के साथ फाइट करने जा रहे हैं। जैसा तुम देख सकते हो मैं अपने ये पक्षी वाले सवारी पे बैठ चुका हूँ, एंड हम लोग अब इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर ही वो मिलेगा, वो एक ख़तरनाक सा पोकेमोन जिससे कि मैं अभी फाइट करूँगा, जिसका नाम है पेटालिया। और ये देखो भाई सामने कितनी मस्त है, कितनी क्यूट है। और गाइज इसके साथ हो चुका है अपन लोग का फाइट, और हम यहाँ पे उतार दिया एस्टोगन। और तुमको पता है कि एस्टोगन पाल वर्ल्ड में एक ऐसा पोकेमोन है जो कि काफ़ी गंदा डैमेज देता है, और साथ में लेवल 4 का माइनिंग करता है। और जो पोकेमोन को गाइज हम पकड़ रहे हैं जिसका नाम पेटालिया है, ये भाई जो है हार्वेस्टिंग साथ में ग्रोथिंग जो भी प्लांटिंग वाला सब काम है ये काफ़ी अच्छा करती है। 3 लेवल का कम से कम है, 4 लेवल का नहीं है, 3 लेवल का है। और कमेंट में गाइज बताना कौन सा ऐसा पोकेमोन है जो कि 4 लेवल का प्लांटिंग करता है। तो मेरे को आज गाइज जो है ना इसको कैप्चर करना है, तो देख लेते हैं कितना खतरनाक फाइट होने वाला है, तो तुम देख ही सकते हो। और हमको थोड़ा बच के रहना है क्योंकि जितने भी बॉस पोकेमोन है अगर तुम उनके घर में जाके अगर तुम उनसे फाइट लोगे तो वो मैक्सिमम एम तुम्हारे ऊपर करेंगे, और हम यहाँ पे जो थोड़ा बचा के और थोड़ा इंजॉय में गेम प्ले कर रहे हैं, चिल मार के कर रहे हैं, बस हमको थोड़ा सा बच के रहना है। तो देख लो गाइस कितना गंदा यहाँ पे हम डैमेज दे दिए हैं। और आई थिंक गाइस जितना भी यहाँ पे गेम प्ले है ना तुम लोग को मेरे ख्याल से पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग उतार चुके शैडो विक वाला, और जितना भी गेम प्ले गाइस लाड़े पालवर लाड़े साथ में बुलेट इको इंडिया बैटल स्टार्स और भी जो भी इंटरेस्टिंग गेम प्ले होगा गाइस वो सब तुम लोग को बताएंगे। और गाइस यहाँ पे देखो ये मेरा शील्ड तोड़ दिया गाइस, शील्ड जो है मेरा पूरा का पूरा तोड़ दिया, और हम इसके सामने आ गए। और भाई देखो मर गए यार, एकदम बोट की तरह हम यहाँ पे सामने आ गए, उड़ ही रहे थे, उड़ने से पहले ये मेरे को मार दी। तो गाइस अगर तुम कोई भी बॉस पोकेमोन के सामने मेरे जैसे नूब के तरह बोट के तरह अगर आओगे तो वो पोकेमोन तुमको छोड़ेगा नहीं, वो तो बोलेगा नहीं यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे मुजरा उजरा हो रहा है क्या, या कुछ खाना वाना बट रहा है क्या, तुम यहाँ पे सामने आके खड़ा हो गए। तो गाइस यहाँ पे हम यहाँ पे मर गए थे, मरने के बाद हम वापस यहाँ पे फिर से आए और जितना भी चीज़ था वो हम लेके उसके बाद फिर बेस से और कुछ अलग पोकेमोन लेके हम यहाँ पे वापस इससे फाइट करने आ गए। और इस बार गाइस यहाँ पे पेटियाला को जो ना मोसंडा से थोड़ा फाइट करेंगे, और फेंगलोप भी लिया है साथ में, एस्टेगोन भी है और वेनियम भी है, ठीक है। और तुम देख सकते हो कितना खतरनाक अभी फाइट होगा, और इसका लुक भी देखने में काफ़ी मस्त है, शांत रहती है गाइस शांत, जब तक इसको तुम छेड़ोगे ना तब तक ये तुमको जो है ना फाइट नहीं करेगी ये तुम्हारे से, तो इसलिए गाइस जो है ना इसको छेड़ना नहीं है, चुपचाप रहना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम शैडो विक का भी यहाँ पे खाना वाना खिला दिया, क्योंकि खाना तो नहीं खिलाओगे लोगों को, और जितना भी पोकेमोन उसको खाना खिलाना पड़ता है, तो खाना खिलाओगे तो इसका हेल्थ बढ़ेगा, और खाना अगर कम ही हो जाएगा तो भाई उसका हेल्थ बढ़ेगा या नहीं, उसका हेल्थ घट जाएगा और धीरे धीरे वो मर जाएगा। इसलिए गाइस जो है ना अपने पोकेमोन को खाना खिलाना चाहिए, और अगर तुम भी कुछ काम करते हो तो खाना खाना ही पड़ता है, तो वैसे ही गाइस पाल वर्ल्ड में वो खाना खाना ही पड़ेगा। और भाई अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब गेम प्ले यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं, जैसे कि तुम लोग को बोले बुलेट इको इंडिया तो काफ़ी मस्त गेम है क्राफ्टन्स का, और हम भाई चाहते यार तुम लोग को थोड़ा जो ना एंटरटेनमेंट करते रहें, स्पेशली इसलिए जो ना हम अलग अलग टाइप का गेम प्ले कर रहे हैं, व्यूज़ का उतना दिक्कत नहीं है भाई, व्यूज़ तो आते ही है कम है, तो कभी आ जाए ज़्यादा तो चलो चलेगा, लेकिन भाई गेम प्ले करते हैं दोस्तों तुम लोग के साथ यहाँ पे जो थोड़ा शेयर करते रहते हैं। तो आई होप गाइज इस वाले वीडियो में जो कम से कम 50+ लाइक का एम करते हैं वो बहुत ज़्यादा कर दिया, पाल वर्ल्ड में भाई 50+ हमको आता नहीं है, तो आ जाए तो बहुत मेरे लिए अच्छा बात हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस इस बार हम पकड़ पाते हैं या नहीं है लेवल 28 का पटारिया, और देखते हैं भाई मोसंडा कुछ करेगा या फिर इस बार मर जाएगा मोटे। तो मोसंडा यहाँ उतार दिया, और इसका देख लो ये प्लांटिंग वाला काम करता है और हैंडी वर्क भी करता है मोसंडा, तो इसके ऊपर प्लांट वाला वो पत्ता बनाई हुआ है लिफ्ट टाइप का, और भाई पत्थर उठा के मर रहा है, देख लो लेवल 28 का मोसंडा है, नहीं लेवल 27 का मोसंडा है, मेरा लेवल जो है 27 है शायद, हाँ 27 ये तभी लेवल 27 का मोसंडा है। तो गाइस यहाँ पर जो है अब हम उतार दिए हैं एस्टोगोन को इस बार, और इस बार गाइस हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि पिछला बार जो गलती करके हम वहाँ पे सामने आ गए थे। और देखो भाई मेरे तरफ यहाँ पे जो ये फव्वारा नहीं होता है ये अपना जो मारने का स्टाइल है, मतलब बबल टाइप का जो अटैक करती है गाइस, वो बबल टाइप से हम बच गए अभी, नहीं तो भाई ये मेरा जो ना अभी मेगा शील्ड जो हम बनाए हैं वो शील्ड मेरा यहाँ पर तोड़ देते।
तो यहाँ पे काफ़ी गंदा फाइट यहाँ पे पेटालिया के साथ हो चुका है। पेटालिया का एकदम पेटालिया को एकदम पूरा बढ़िया तरह से हम इसको कैप्चर कर देंगे, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे जो है ना, इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, 1300 हेल्थ हो ही गया गाइस, 1200 हेल्थ, जल्द से जल्द यार कम हो जाए यार, 500 हेल्थ में होगा तब इसको कैप्चर कर लेंगे। तो तुम लोग गाइस क्या कहते हो कि तुम लोग को पाल वर्ल्ड में और किस टाइप का गेम प्ले चाहिए, और मतलब कौन कौन टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग जो ना और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉस पोकेमॉन का भी फाइट तुम लोग के लिए लाने वाले हैं, जिसमें गाइस ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग चाहते नहीं कि यार तुम लोग को कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो दिखाएं। तो जितना भी मस्त मस्त जहाँ जहाँ फाइट होता है ना गाइस, वो सब टाइप का तुम लोगों को क्लिप दिखा रहे हैं। तो देख लो गाइस, इसका भी हेल्थ कम हो चुका है, तो शैडो विक भी यहाँ पे काफ़ी गंदा तरीके से इसको मार ही दिया है, और लगभग मैं आप कैप्चर कर सकते हैं। तो 900 अभी भी हेल्थ है, थोड़ा सा और डैमेज कम हो जाए। अरे मार जल्दी शैडो विक यार, इसको देखो, इसको जकड़ लिया, शैडो विक को जकड़ा, ये पेटालिया जो है ना इसको जकड़ लिया है और जकड़ के मारे, लेकिन शैडो विक फिर भी जो है देते जा रहा है अटैक। तो चलो भाई, यहाँ पे जो है ना काफ़ी ख़तरनाक सा पोकेमॉन में फाइट हो रहा है, शैडो विक वर्सेस यहाँ पे पेटालिया हो चुका है। तो क्या लगता है गाइस, तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोग क्या लगता है कि कौन सा पोकेमॉन सबसे मस्त है, शैडो विक और एस्टोगन में, अगर हम तुम लोग से पूछेंगे तो। तो मेरे को तो भाई दोनों ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन ज़्यादा हमको पसंद एस्टोगन लगता है। शैडो विक तुम लोग बोलोगे हम जानते हैं, और एस्टोगन हमको इसलिए लगता है क्योंकि वो माइनिंग ज़्यादा करता है ना, तो इसलिए गाइस हमको एस्टोगन ज़्यादा पसंद है। और फिर से यहाँ पे जकड़ लिया है गाइस, क्या लग रहा है, 500 हेल्थ हो गया, अब हम पकड़ सकते हैं, और मेरा शील्ड तोड़ दिया, अब रुको रुको कैप्चर, आजा भाई आजा, आ गया, आजा मेरे अंदर, आजा जल्दी जल्दी, आजा जल्दी, ओ भाई नहीं आई, पेटालिया का हेल्थ तो अब कम ही हो गया है ना, अब कितना चाहिए। और शैडो विक को तो भाई लगभग मार ही दिया था, वो देखो भाई भाई भाई, अरे आजा आजा यहाँ पे कैप्चर, अच्छा भाई खंभा के अंदर से यहाँ पे आ गया कैप्चर। तो फाइनली यहाँ पे इस बार कैप्चर हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, 100% डन है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पकड़ लिए हैं पेटालिया को, और कैसा लगा गाइस तुम लोग गेम प्ले ये ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे बॉस पोकेमॉन को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अब के टाइम में, क्योंकि जब मैं पहले खेलता था तो पहले थोड़ा जल्दी मर जाता था, लेकिन अब खेलते खेलते भाई हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा नेक्स्ट लेवल बढ़ चुका है, तो अब जल्द से जल्द पोकेमॉन पकड़ ही लेते हैं। लेकिन प्रोस्टेलियन और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा पोकेमॉन, प्लेडियस, जेट ड्रैगन, उसको पकड़ लेंगे तब तो भाई हम अल्ट्रा प्रो बन जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा जैसा हमको लग रहा है। तो चलो गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं अपने बेस में, और देखते हैं पेटालिया को, पेटालिया हम लोग कर लिए हैं, पेटालिया है पेटालिया को, और अब जो है ये मेरा क्या काम करेगी मेरा बेस में, यहाँ पे मेरे काम पे आ पाएगी, मेरे काम आ पाएगी या नहीं। तो चलो कहाँ गया पेटालिया, वेयर इज पेटालिया गाइस, मेरे को पेटालिया को देखना है। तो पेटालिया का यहाँ पे तुमको दिखाएंगे, इसके लिए देख लो गाइस, इसका काम है प्लांटिंग, हैंडीवर्क और हार्वेस्टिंग, और ये कुछ दवाई ववाई भी बनाती है, और ट्रांसपोर्टिंग का एक लेवल का काम है। तो कमेंट में जो बताना कि गाइस तुम लोगों को कैसा लगा पेटालिया का वर्क, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका लुक पसंद है, क्योंकि भाई यार बॉस पोकेमॉन था, आसानी से पकड़ में आ नहीं रहा था, और हमको फालतू में वहाँ पे मर भी गए थे एक बार। तो देख लो गाइस ये घूम घूम के यहाँ पे जो है ना काम कर रही है। तो चलो भाई, थोड़ा नाच वाच का भी काम करता तो ठीक ठाक है, डांस वांस भी कभी कभार किया करो तो सही रहता है। तो कैसा लगा इस कमेंट जरूर बताना, तो हम लोग जल्द से मिलते हैं, जल्द से जल्द तुम लोग से मिलते हैं जल्दी।